उसको थोड़ा सा खुश रखना है, अदरवाइज अगर उसने बुक्का फोड़ दिया। होने की व्यवस्था भी जमाना बाकी है, खाना खा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग पेट्रोल पंप पे आज हमारी रात को कैसे बिताने वाले हैं। देखते हैं इसके अंदर सारे बर्तन आ जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ग्रोसरी को बता नहीं सकता, हाईवे पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं हम लोग। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्हीकल 4x4x4, सो दिस इज गुरखा राइट। कभी कभी ना उड़ता हुआ तीर ले लेना चाहिए, तो तीर ले लिया, वो तीर उड़ रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। क्या शानदार वाली धूप निकली हुई है देखो, और हम लोग आराम से उठे और ये खड़ी हुई है हमारी XUV 5NN जो हमारी कैरावैन है, यहाँ पे आराम कर रही है हमारे इंदौर वाले घर में। और ये भाई साहब हमारा झूला, तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल से दिन की। नमस्कार, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मैं हूँ ईशान और हम लोग पहुँच गए थे इंदौर, भोपाल से इंदौर हम लोग पहुँच गए थे लेट नाइट, क्योंकि हमें वापस से ज्वाइन करना है हमारी ऑन गोइंग एनुअल ओवरलैंडिंग मीट को, तो उसे मिस कैसे कर सकते हैं, ये दिल मांगे मोर वाली चाहत है। फटाक से आपको मिला लेते हैं हमारे मम्मी पापा से, और इशिका कशिश क्या कर रही है, क्योंकि मम्मी ने बनाई है कुछ गर्मा गर्म चीज़ें रास्ते के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं होगा हमारे पास बनाने करने के लिए, क्योंकि हमें करना है डिस्टेंस कवर। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं अंदर की तरफ, और ये हमारा बढ़िया प्यारा सा घर है। हाँ जी पापा, क्या हाल है? पापा बिल्कुल शायद फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल बत्तीस ही दिखा रहे हैं पापा अपनी, और यहाँ पे उनके छोटे मोटे कप सिरप चल रहे हैं। ये जो भांजी बैठी है ना, ये बहुत छोटी हुआ करती थी, बिल्कुल गोदी में खिलाया करता था मैं। और ये देखो, ये हमारा, ये तो बहुत ही बड़ा हमारा टार्जन है, टार्जन। तो चलो, और ये है हमारा अपलोड चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जो व्लॉग्स हैं वो लेट आ रहे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अब देखो किचन के अंदर क्या मामला बन रहा है, किचन के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारा खाना बना रही है हमारी मम्मी, और ये हमने मम्मी को बिना बताए लाइव कर दिया है। और देखो इसे कहते हैं रोटी, इसे कहते हैं रोटी, ऐसे फूलना चाहिए रोटी को ना, हम जो बनाते हैं रोटियाँ बेचारी फूल ही नहीं पाती हमारी रोटियाँ। तो मम्मी हमारे व्यूअर्स को आप कह दो हेलो, और ये है मेरी मम्मी, हेलो। तो ये एक नंबर की मास्टर शेफ है, मतलब क्या है कि बच्चा जो है अगर किसी को सीखना है तो वो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले ले। बनाए थे मम्मी ने सुबह सुबह चने, और ये बनाया हुआ पालक, यहाँ बनी हुई है दाल, और रास्ते में ले जाने के लिए बना दिए हमारी मम्मी ने हमारे लिए रोटी, मेथी, और ये है मक्के की छोटी छोटी पूरियाँ। तो यार शानदार है, देखो कितनी शानदार है, कितनी नरम है, तो ये कल तक चल जाएंगी हमारे पास। फटाफट से पैकिंग करते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम लोग इंदौर से निकलेंगे, महाराष्ट्र एंटर करेंगे, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे आपको दिखाएंगे, बने रहिए। और शुरू करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपन लोग अपनी जर्नी को। तो दादी, दादी को बाय बोल दिया, चले अपन लोग चले, ये फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। तो ये अपन लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और डीजल टॉप अप करा लेते हैं, तो करीब करीब 4000 रुपये का डीजल टॉप अप कराना बनता है, क्योंकि गाड़ी हो गई है काफ़ी खाली और अपने को जाना बहुत दूर। करीब करीब अपन 4000 रुपये का डीजल डलवा रहे हैं इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से 41-42 लीटर के आसपास आ जाएगा इसके अंदर। ये टेंट है इसके ऊपर, रूफ टॉप टेंट है, इसके ऊपर सो जाते हैं। और इंदौर का ये व्यस्ततम इलाका है महेश नगर, या कह लीजिए आप बड़ा गणपति से हम लोग निकल रहे हैं। इंदौर की बात निराली है, 6th time वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एंड ग्रोइंग इन ए डायनेमिक वे, अमेजिंग यार, मतलब बहुत ही प्राउड होता है कि मैं इंदौरी हूँ और भोपाली भी हूँ साथ साथ, पिछले 10 साल से हम लोग भोपाल में हैं। यू कैन सी हम लोग आ गए इस रोड पे, खलघाट है 78, सेंधवा 133, धूले 248, और मुंबई है 578। जैसे जैसे रोड टर्न होगी बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आएगा, और बिल्कुल जो सूरज है बिल्कुल हाईवे के सेंटर में आ जाएगा, देखना बहुत ही सुंदर है। ये देखो क्या शानदार है, तो यहाँ पे ईशिका का कार्यक्रम चालू हो गया, ये खाना खा रही है। तो अब थोड़ा बहुत तो ना बच्चे का इंतजाम करके रखना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, छोटा मोटा वीडियो देखेगी, हम लोग यूजुअली दिखाते नहीं है, बट अभी सफर है और उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको थोड़ा सा खुश रखना है, अदरवाइज अगर उसने बुक्का फोड़ दिया तो ट्रेवल ट्रेवल गया सब भाड़ में, सब साइड में हो जाएगा सब कुछ। इसी का कंफर्टेबल है, इसी का आर यू फाइन? ठीक है ठीक है, चलो अपन चलते हैं, धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं, ये लोग खाना वाना खा रहे हैं, और टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं और आगे निकलते हैं। हम लोगों ने जो सेंधवा है उसको क्रॉस कर दिया है, और सेंधवा से अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो जीजा जी हैं जो पानसेमल में रहते हैं, उनके मामा जी हैं जिनका HP का पेट्रोल पंप है, तो आज की रात हम लोग हमारे पेट्रोल पंप पे बिताने वाले हैं। तो अभी बस पहुंचते हैं वहां पे, और ईशिका ने खाना खा लिया है, वहां पहुंच के हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि
कैसे आज सोने का प्रबंध किया जा रहा है। सो जी सीन ऐसा है कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी हमने टेक दी है और घर की बनी हुई हमें मिल गई है आलू मेथी की सब्जी और रोटी। सुबह देखा था आप लोगों ने, मैंने आपको दिखाया था मम्मी पैक कर रही थी। और कशिश यहाँ पे खा रही है, इशिका यहाँ पे बैठी हुई मस्ती कर रही है और थोड़ा सा कशिश को मेरे ख्याल से बुखार जैसा हो रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या करना है, होने की व्यवस्था भी जमाना बाकी है। खाना खा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग पेट्रोल पंप पे आज हमारी रात को कैसे बिताने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हमारी कार में दो तरीके से सोने के प्रबंध किए हुए हैं। एक तो है रूफटॉप टेंट के माध्यम से और एक हम लोग कार के अंदर ही सेटअप बना लेते हैं। ऐसे ट्रेवल जिसमें हमें एक नाइट हॉल्ट लेना होता है, हम लोग अवॉइड करते हैं रूफटॉप टेंट को खोलना, अंदर ही सेटअप करके सो जाते हैं। और यकीन मानिए यहाँ पे ये सेटअप करके सोना बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही अमेजिंग वाली नींद आई। और कशिश जो है हल्दी शहद बना रही है हम लोगों के लिए, काफी ज्यादा हम लोगों का ना गला खराब है तो हल्दी चले गई है इसके अंदर, ये गया इसके अंदर शहद। तो जो प्रोपोर्शन है वो है 2:1 का, 1 part हल्दी और 2 part शहद। और हम लोगों ने जो सफर किया है वो इंदौर से हम लोग पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर लिया हम लोगों ने। और आज हमारी जो रात बीतने वाली है वो बीतने वाली है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे। और बहुत ही कंफर्टेबल सी नींद आई थी यार, बहुत ही मजेदार था, बिल्कुल समा और बहुत एवरीथिंग वाज सो गुड। इतना अच्छा कंफर्टेबल बेड है ना ये, कि बहुत ही जबरदस्त वाली नींद आई थी। इनफैक्ट सुबह हम लोगों को इशिका ने उठाया, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था उठने। सही में यार, मतलब बहुत देर हो गई। इनफैक्ट आप टाइम देखो कि 8 बज गया है यहाँ पे। और बस ये बेड समेटते हैं, ब्रश अप करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। इशिका सफर है उसको शुरू कर लेते हैं। और अब देखिए सुबह का जो नजारा है, ये वाली जो रोड है अपने को देखने को मिलेगी। और अब इस रोड को अपन देखेंगे, बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो ये अलविदा करते हैं पेट्रोल पंप को और हमारे जो मामा जी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीजा जी को जिन्होंने ये व्यवस्था करवा दी और एक ये पेट्रोल पंप मिल गया हमको HP का। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी XUV 500। और अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, ब्रश करते हैं, खाना वाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने हमारा तामझाम खोल लिया है और आप लोग देखिए कि हमारा जो सेटअप है, जो किचन है वो बिल्कुल खुल के तैयार है। और अब सुबह का जो है हम लोग चाय बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे रखे हुए टोस्ट और यहाँ रखे हुए बिस्किट्स, यहाँ दूध है, चाय पत्ती है, तो ये सब कर लेते हैं और चाय वाय बना लेते हैं। इसी के लिए कुछ नाश्ता बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा ही है हम लोगों का जो किचन सेटअप है इस तरीके से है। और ये हम लोगों ने स्टोरेज कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर सारे बर्तन आ जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ग्रॉसरी के एक्स्ट्रा आइटम्स रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको उसके अंदर। मसाले हैं, ऑयल है, दूध के पैकेट हैं, चावल है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और भाई साहब ये देखो, ये खजाना है इसके अंदर। और ये कुछ प्लेट्स रखी थी हम लोगों ने खाने के लिए। और ये कप्स हैं इसके अंदर, बादाम है, काजू है, लाल मिर्च का पैकेट है और ये मसाले हैं, कुछ चॉकलेट्स रखी हुई हैं, एनर्जी बार्स रखी हुई हैं कुछ। तो ये सारे आइटम्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। कमी किसी भी चीज़ की नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सफ़र में जब आप लोग निकलते हो ना तो भूख बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगती है और होता है अपने पापी पेट का सवाल। तो ये सारी चीज़ें अपने को पूरी तरह से फुलफिल करते हुए चलना पड़ती है। कि पानी का जो सेटअप है हम लोगों का इस तरीके से है, देखो ये पानी यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है और ये मोटर है, इस तरीके से हमको ये पानी की व्यवस्था मिल जाती है यहाँ पे। और मैंने बताया था आपको कि ये वाटर टैंक हम लोगों ने जो है यहाँ पीछे रखा हुआ है, तो ये 30 liters का वाटर टैंक हमें सफिशेंट ड्यूरिंग ट्रैवल हमें पानी प्रोवाइड कर देता है। और सामान तो देखो भाई साहब इतना सारा है, इतना सामान तो आपको लेके चलना ही पड़ता है, सामान बिल्कुल लबालब है। 20 लीटर की जो हम लोगों ने बिस्लरी की केन है वो यहाँ रखी हुई है और यहाँ पे भी एक डिस्पेंसर लगा रखा है जिससे हम लोग पानी निकाल लेते। तो ये देखिए एक बास्केट और रखी हुई है जिसके अंदर कुछ रैंडम अगर हम लोगों को कोई सामान चाहिए तो वो हम लोग ले सकते हैं। और कशिश थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी लेके आइए, क्योंकि क्या होता है कि अपना पानी थोड़ा सा बचत के हिसाब से रखना पड़ता है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। तो ये पानी हम लोग होटल से लेके आए हैं, तो इससे हम लोग हमारे जो बर्तन है उसको साफ कर लेंगे। यार बहुत तेज भूख लग रही है, अब थोड़ा सा कुछ बना दो इसके लिए। ऑमलेट बनाना है कि अपने को? हाँ ऑमलेट बनाना है। तो ठीक है ऑमलेट बना दो, हमें चाय पिला दो और वो लड़की वहाँ पे खेल रही है। तो चलिए बकर बाद में करते हैं, पहले कर लेते हैं
पेट पूजा, उसके बाद होगा काम दूजा। फिर हम लोग बस छोटा सा सेटअप लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो बच्ची साथ में है और लॉन्ग टाइम ट्रेवल करते ना, तो ऐसे ही हम लोग साथ में हमारा कारवा चलते रहता है। बढ़िया बढ़िया, हमको भी कब मौका मिलेगा ऐसा। अरे सर अब क्या है कि सर देखिए व्यस्ततम जिंदगी तो चलती रहती है, हमने सोचा इसी में से थोड़ा टाइम चुरा के कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे ईशान ऑमलेट बना रहा है इशिका के लिए, मैंने यहाँ पे टी चढ़ाई है। ये वाले जो यूटेंसिल्स हैं ये कैंपिंग यूटेंसिल्स हैं जो आपको अमेजोन पे बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, छोटे हैं और बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। कैंपिंग पे आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हो स्टील के यूटेंसिल्स के अलावा। यहाँ पे इसका पूरा खेल चालू है। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये सारे जितने भी पत्थर थे उन सबको बीन लाई है और उनको पानी में डाल रही है। तो मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ ये सब गंदगी करने के, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आई हैव टू कीप हर बिजी। ऑमलेट बस बनी रहा है हमारा ऑमलेट, और ये हम ऑमलेट को जो है बेहतरीन तरीके से फेंट रहे हैं। और ये राला साहब हमने इसको ऐसे शाबाश। पैन थोड़ा छोटा है बट जैसा ये खाती है ना, जैसे बच्चे खाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग टाइप का, वैसा तो बन ही जाएगा इसे। ये पलट दिया सर, ये देखो सर हम छोटे से शेफ हैं। देखिए शानदार, कितना शानदार बना है ऑमलेट छोटा सा, क्योंकि ये ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाती है और इसको प्याज टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं बिल्कुल इसके लिए सादा ऑमलेट बनाता हूँ। तो साहब आपकी फरमाइश में हाजिर है एक छोटा सा प्यारा सा सादा ऑमलेट। तो इशिका कौर अब आप खा लीजिए अपना ऑमलेट, ये लो आपका ऑमलेट आ गया। बस चाय रेडी हो गई हम लोगों की, तो बढ़िया वाला उबाल आ गया इसके अंदर, और अब देखो हम लोग इसको छान लेते हैं। गैस कर देते हैं बंद, और साहब ये देखो हमारी चाय गई। और सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं चाय हमारी धर्म पत्नी जी को। आइए प्लीज चाय ले लीजिए अपनी, ये आपकी चाय है, आप ही ने बनाई है, हमने तो सिर्फ छानी है। पहली चाय जो होती है वो मेरी कशिश के साथ ही होती है, तो इसके ले लेते हैं अपन पहली चुस्की। शानदार, बहुत अच्छी चाय बनी। ये देखो ले लो, पानी चोर रही है यहाँ से, पानी चोरी कर रही है, पानी चोरी कर लिया इसने। छोटे छोटे हमने बिस्किट रखे हुए हैं यहाँ पे, तो चलिए आनंद ले लेते हैं चाय का। और यहाँ पे चाय पीने का जो आनंद है मतलब आपको बता नहीं सकता। हाईवे पे खड़े होकर चाय पी रहे हैं हम लोग, एक अच्छी सी जगह मिल गई हम लोगों को, जस्ट अमेजिंग वाली फीलिंग है यार गाइस। मतलब आपको बता नहीं सकता कि हम लोगों का जो किचन सेटअप है वाकई में बहुत फ्रूटफुल है हम लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे हम लोगों ने इशिका के लिए मिक्स दाल चढ़ा दी है, और यहाँ पे देखो आटा गूंद रहा है, तो इसकी जो रोटी है वो बन जाएगी, जो बचा हुआ आटा है वो फ्रिज में रख दिया जाएगा। मक्के की कुछ पूरियां बना के दी थी मम्मी ने हमको, तो ये खा ली है। जी खाने की प्रिपरेशन इसके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना तो कुछ भी हो जाएगा अपन देख लेंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर एंटर करेंगे ना तो कुछ लोकल कुजीन हम लोगों को खाने को मिल जाए, भाकरवड़ी और क्या पूरन पोली और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यार, तो इसलिए हम लोग ने थोड़ी हमारे लिए जगह रखी है और इसका खाना बना लेते हैं क्योंकि ये कुछ खाती नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब आप लोग ट्रैवल करते हो तो वी गेट लाइक माइंडेड पीपल एंड लाइक सर हैज जॉइंड अस। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम अविक मुखर्जी, दिस इज सोनाली एंड अंशुमन। अंशुमन एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्हीकल 4x4x4, सो दिस इज गुरखा राइट? या दिस इज एन अमेजिंग परफॉर्मर आई गेस। यस, लाइक इफ यू आस्क द क्वेश्चन कितना देती है तो बहुत देती है मजा। क्या बात है, and don't ask about the average. that's all jab maza lena ho to hum average nahi dekh sakte actually. Absolutely. As a long trip actually sir, kahan kahan gaye abhi aap log? We started from Pune, then via Aurangabad, Nagpur, Bilaspur, we went right. till Dimapur, Kohima, Tezpur. Yeah, kya baat hai, matlab bahut lamba tour le liya apne. Yes, and then it was all near about 8,700. And taking all the great memories with you inside. Yes, of course. तो चलिए साथ में हम लोग मिलते चलते चल रहे हैं और साथ में सब्सक्राइबर भी बढ़ाते चल रहे हैं, तो साथ में ऐसा करते रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। मनमाड़ आएगा ना ऐसे? वो पहले भी एक कट था तो वो छोड़ दिया हमने ना, तो ये वहीं पे कनेक्ट हो जाएगा ना? कनेक्ट हो जाएगा, सही जा रहे हैं ना? सही। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से एक लेफ्ट ले लिया है, और देखो यार ये काफ़ी मतलब हाईवे से थोड़ा हटके रोड है, तो काफ़ी थोड़ी शांति हो गई है इस पर, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा था नेशनल पार्क के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो उसी तरीके का रोड है। तो
तो ये वाला जो टेरेन है बहुत ही सुंदर लग रहा है। कभी कभी ना उड़ता हुआ तीर ले लेना चाहिए, तो तीर ले लिया, वो तीर उड़ रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। और देखो यार क्या नजारा है, मतलब देखो क्या शानदार नजारा है। तो हम लोग इस मनमाड़ वाली रोड को कनेक्ट करेंगे एंड देन वी विल रीच चैनी शिंगनापुर। बहुत लेट हो गए, थोड़ा इशिका क्रैंकी हो रही थी और थोड़ा हम लोगों को खुद की भी तबीयत खराब हो रही है, हेडेक वगैरह बहुत हो रहा है। तो अभी इशिका के लिए खिचड़ी बनाई है रुक के, और आज हम लोगों ने अपने लिए खाना नहीं बनाया, एक ढाबा मिल गया था यहाँ पे, सिंपल ही खाना खाने का मन हो रहा है क्योंकि हेडेक बहुत हो रहा है। निशान का गला खराब हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, इशिका को खांसी हो रही है, हम तीनों बीमार पड़ रहे हैं। बट नेवर माइंड, इसी का नाम है ज़िंदगी और चलते जाना है। हम लोग शनि शिंगनापुर पहुँच चुके हैं, बहुत रात हो गई है, बेड सेटअप करने में बहुत देर हो गई है बिकॉज इशिका को बहुत नींद आ रही थी। तो इस ब्लॉग को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ब्लॉग को, हमें सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में जिसमें हम आपको डिटेल में शनि भगवान के दर्शन कराएंगे और भी देखेंगे आसपास में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। So till then, take very good care of yourself and bye-bye.